आपको क्या लगता है वास्तव में दुबई और शंघाई और अपने क्या बोलते हैं भूल जाएंगे आप दुबई को? दुबई को अच्छा दुबई से अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा, वजह बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम धोलेरा टूर पे आए हुए थे और धोलेरा टूर पे मुझे एक अंकल से मुलाकात हुई मेरी, और अंकल भी धोलेरा के एक इन्वेस्टर हैं, इन्होंने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम अंकल से जानेंगे कि क्या पॉजिटिविटी है धोलेरा की। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, बड़े बड़े अखबारों में भी निकलता है, न्यूज़ में भी निकलता है, और बड़े बड़े बिल्डर्स भी यूट्यूब में भी आप लोग देखते होंगे कि धोलेरा के बारे में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सिंगापुर जैसी सिटी होगी, ये दुबई जैसी सिटी होगी, और ये चीन के चाइना की शंघाई जैसी सिटी होगी। तो आज हम अंकल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ही काफी अच्छा है, एक रिटायर्ड रेलवे के बड़े अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धोलेरा आखिर है क्या और किस वे में ये फ्यूचर इंडिया के लिए काफी ब्राइट हो सकता है फ्यूचर में। तो अंकल सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है। आई एम उपेंद्र रावल, आई हैव वर्कड विद रेलवेज एंड रिटायर्ड एज चीफ ओएस। सो आफ्टर रिटायरमेंट आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग माय मनी इन सम प्रोस्पेक्टिव प्रोडक्ट, and then after only I came to know about this Dholera share. Okay. It is going to become a smart city, and I am very much sure that it will give a good name to India. पहले बोलते थे लोग कि बॉम्बे को शंघाई बनाएंगे, क्या शंघाई बनाएंगे, अब चाइना का घोंचाव नहीं बना सकते। It was the impression in general. इन द पब्लिक। लेकिन अभी जो मैंने ये धोलेरा सीर में हमारे एक डेवलपर दोस्त हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मेरी व्हाट्सएप पे दोस्ती हुई, उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप विजिट करो इसको। आई विजिटेड विद हिम दैट धोलेरा सीर। इट इज अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, काफी मेरा थोड़ा एनालिटिकल टाइप का नेचर है, तो मैंने काफी कुछ अच्छा आपने काफी रिसर्च किया उस मामले में। नहीं, तो उसको ही काफी मैंने खोजा था, उसके रिप्रेजेंटेटिव को। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है वास्तव में दुबई और शंघाई और अपने क्या बोलते हैं भूल जाएंगे आप दुबई दुबई को? अच्छा दुबई से अच्छा होगा, ये बहुत शानदार होगा, वजह बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन और कन्वेयंस ये सबसे बड़ी जरूरत होती है इंसान की। करेक्ट। यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मींस हैं वो इतने शानदार होने वाले हैं। मेट्रो है, ओके, ओशन वहां से नजदीक पड़ता है, बाय रोड एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इजी हो जाएगा, बाय रोड एक्सप्रेस वे बन रहा है। दूसरा वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इसका एक कॉरिडोर जो जा रहा है बॉम्बे दिल्ली वाला, वो इसको कवर करते हुए जाएगा। हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सेस कॉरिडोर, अहमदाबाद वाला भी। तो वो इसको कवर करेगा। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ओके, जिसमें ऑलमोस्ट 400 प्लेन की कैपेसिटी रहेगी। अच्छा, 400 प्लेन एक साथ वहाँ पे लैंड कर सकते हैं? एक साथ तो नहीं, मतलब 400 लेन की उसकी होल्डिंग कैपेसिटी। ओके ओके, वो तो शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन In all respect, I have invested my money. Okay. They are going to give me the plot fully developed in 2023. मतलब आज से करीब चार साल बाद। चार साल बाद फुल फर्निश्ड। अच्छा, I may go and reside over there. Okay, okay. If I wish. Again, it is not my intention. Yeah, actually, yeah. I have got my some other accommodation facilities also. I am right now. I am residing in Ishanpur area. Okay, okay. In Ahmedabad, right? In Ahmedabad, and I have got good accommodation. So it will not be problem. So basically, आपने जो invest किया है वो profit gain करने के लिए किया? बिल्कुल, बिल्कुल. My safe and profitable इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये पर्पस से मैंने एक इन्वेस्ट किया है। लेकिन तो भी इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी इन्वेस्टर।